गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास में पढ़ीचु मिश्र त्रिपोजुक्ति क्या कह जाए यह केते भागरे विभक्त जानीचु आम चारि भागरे विभक्त तीनोटी भाग विषय आम पढ़ीचु जो शेष भाग रहुची ता विषय आम आज क्लास करिवा ता हेउची दि श्रृंगक युक्ति। प्रथम भाग जाइथिला मिश्र प्राकल्पिक युक्ति, द्वितीय पढ़ीलु मिश्र बीजजक युक्ति, तापर पढ़ीलु मिश्र वैकल्पिक युक्ति, शेष भागटी हूँ चारि नंबर पार्ट ताकि द्विशृंगक युक्ति। द्विशृंगक विषय युक्ति विषय आम सविशेष पढ़ा ना, जस्ट क्या कहा जाए पढ़ा उदाहरण दवा। यार स्वतंत्र एक क्वेश्चन रही द्विशृंगक युक्ति क्या कह जाए केते भाग विभक्त सेटा मुझे बड़े पढ़वि से आम यह विषय डिटेल्स व्याख्या करवा। द्विशृंगक युक्ति क्या कह जाए जमी अन्य युक्ति गुड़िक डेफिनेशन दौलु यार डेफिनेशन मत सेमी दवा साध्यावय पक्षावय आ गए था सिद्धांत कौ तर्कवाक्य कौन कौन व्यवहार करा जाए से जो तीनोटी थी सी संपूर्ण भाव डिफरेंट, द्विशृंगक युक्ति संपूर्ण भाव डिफरेंट। सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ द्विशृंगक युक्ति। द्विशृंगक युक्ति साध्यावय दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि होता है। आमे मिश्र प्राकल्पिक युक्ति जो साध्यावय गोटे प्राकल्पिक तर्कवाक्य लाथलु एठारे दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य नियाजिब एका सांगरे दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि हेउची साध्यावय। पक्षावयवटी बीजोजक तर्कवाक्य गोटे बीजक साध्यावय दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि, पक्षावय गोटे बीजुजक तर्कवाक्य, सिद्धांत बीजुजक किंबा निरपेक्ष। अर्थात सिद्धांतटा बीजुजक तर्कवाक्य भी होई पारिबो निरपेक्ष तर्कवाक्य भी होई पारिबो। समस्ते भलसे शुण द्विशृंगक युक्ति टिके कष्ट टिके बुझिया पाई कष्ट किंतु बहुत सहज टिके बुझिया पाई कष्ट एवं यह सबुठ इम्पोर्टेंट। अच्छा मुँ कहली साध्यावय रहे पक्षावय भी रहे सिद्धांत भी रहे एग्जाम्पल देले आम बुझिपर साध्यावय दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि होता है, पक्षावय गोटे बीजुजक तर्कवाक्य होता है, सिद्धांत बीजुजक हम और निरपेक्ष हम। तेब आम उदाहरण दवा जहाँफल आम द्विशृंगक युक्ति को बुझीपर। द्विशृंगक अर्थ प्रथम जाणी, द्विशृंगक अर्थ दुईटी शृंग, गोटे हिंस्र पशुर हिंस्र पशुर दुईटी शृंग सहित तुलना करा जाए क्या द्विशृंगक युक्ति को। हिंस्र पशु कहले आम जानू बलद, बलदर दुईटी शृंग रही आम एपटे बलदर गोटे शृंग को छुईले भी भूसी देव सेपट शृंग को छुईले भी भूसी देव अर्थात दुईटी शृंग थाए। से हीपरी द्विशृंगक युक्ति को दुईटी शृंग थिबा पशु सहित तुलना करा जाए। यार जो दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य से दुईटी को दुईटी शृंग बोली भाभी निया जाए। तेब उदाहरण दवा जदि
जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक मु साध्यावयव नेउछि दि शृंगक युक्तिर साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि हेबो एहा गुटिए गला जदि पुओ योग्य हुए तेबे धन संचय अनावश्यक एहा गुटिए प्राकल्पिक तर्कवाक्य आउ गोटे प्राकल्पिक नवा एवं जदि पुओ अयोग्य हुए यदि पुओ अयोग्य हुए धन संचय अनावश्यक दिशुक युक्ति जो मु डेफिनेशन कहली साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि जदि पुओ योग्य हुए तेबे धन संचय अनावश्यक यह गोटे प्राकल्पिक तर्कवाक्य जदि पुओ योग्य हुए एवं आउ गोटे प्राकल्पिक तर्कवाक्य नली जदि पुओ अयोग्य हुए तेबे धन संचय अनावश्यक दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य नेली एहा आमे साधारण भाषा रे कहू जे जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक काहेकि ना पुओ योग्य हेले से तो निजे इनकम करिवो ता पई आमे आउ धन काहेकि बा संचिबा ठीक सही परी जदि पुओ अयोग्य हुए धन संचय अनावश्यक यार अर्थ एमिति जदि पुओ अयोग्य हेला ता धन संचिक भी किसी लाभ ना सी तो बिकी सब शेष करदेव जदि योग्य हे धन संचय अनावश्यक कहीं निजे इनकम करन रोजगार करयोग्य जहाँ थी आम संचि बिकिदेव तेणु योग्य धन संचय अनावश्यक अयोग्य धन संचय अनावश्यक एवं तुम मैंने बुझीपार कहीं दिशृंगक युक्ति को गोटे पशु हिंस्र पशु सहित तुलना करा जाए जार दुईटी श्रृंग थाए दुईटी श्रृंग थाए जार अर्थात ए श्रृंग को छुईले भी सी भूसब से श्रृंग को छुईले भी से भूसब अर्थात आघात दब ए श्रृंग को छुईले भी से आघात दब से श्रृंग को छुईले भी आघात दब अर्थात जोटा को छुईले भी आम गोटे असुविधार सम्मुखीन हवा जदि पुओ योग्य हुए जो प्रॉब्लम जदि पुओ अयोग्य हुए से ही प्रॉब्लम बुझी हेउची पुओ योग्य हेले जहाँ पुओ अयोग्य हेले मध्य ताहा माने धन संचय अनावश्यक एबे टिके जीवा दिशुंगक युक्ति को दिशुंगक युक्ति को गोटे हिंस्र पशु सहित तुलना करा जाए जो पशुर कि दुईटी श्रृंग थाए से श्रृंगद्वय को एक समस्या बोली धरा जाए अर्थात आम जो श्रृंग को चयन कले भी आघात पाइबा जदि मुझे छाड़ी यही श्रृंग को छुईबी आघात पाइबी से श्रृंग को छुईले भी आघात पाइबी मान जो श्रृंग को आम बाछवा आघात पाइबा समस्या पड़वा तेणु दिशृंगक युक्ति को एक समस्या बोली कहा जाए समस्या तेणु दिशृंगक युक्ति को एक समस्या बोली कहा जाए केमिति लेखिबो मु कहूँ यह एत कष्ट लेखिया दरकार ना जस्ट लेखा जीव जेहेतु यह आम पढ़ु प्रथम क्वेश्चन रो चार नंबर भाग यह तेणु एथार जस्ट डेफिनेशन लिखा जीव उदाहरण दबा मु उदाहरण दे आगे बुझाई दे जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक एवं जदि पुओ अयोग्य हुए तेबे धन संचय अनावश्यक यह साध्यावयव गला देन पक्षावयव पक्षावयव एक विजुजक तर्कवाक्य पुओ
योग्य हेब किंबा अयोग्य हेब किंबा लागुची तेणु बिजु जक पुओ योग्य हेब किंबा अयोग्य हेब एई जो पक्षावयव केमिति आसिला एहा नियम रहिछि मु जस्ट उदाहरण एक दौर द्विसंयोग युक्ति को बुझेबापी उदाहरण दे सारापर मु स्टेप पर स्टेप कहीदेवि केमिति लेखिबा कौन नियम को अनुसरण करा जाउछि अतएव धन संचय अनावश्यक लक्ष्य कर जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक जदि पुओ अयोग्य हुए धन संचय अनावश्यक साध्य बब गला माने जहा कले भी धन संचय अनावश्यक पुओ योग्य हेउ किंबा अयोग्य हेउ अते धन संचय अनावश्यक योग्य हेउ बा अयोग्य हेउ जहा कले भी धन संचय अनावश्यक यह द्विसंयोग युक्ति उदाहरण हो गला एबे आमे स्टेप वाइज जीवा डेफिनेशन दबा कौन नियम अनुसरण करे ता लिखिबा प्रथमे डेफिनेशन या जेउ मिश्र त्रिपदी युक्ति रे जेऊ मिश्र त्रिपजुक्तिर साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि होइथाय कमा साध्यावयवटी दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि पक्षावयव एक बीजोजक तर्कवाक्य पक्षावयव जो आमर रही बीजोजक तर्कवाक्य हेबो एवं सिद्धांत निरपेक्ष किंबा बीजोजक तर्कवाक्य होइथाय ताहाकु कहा जाए द्विशृंगक युक्ति द्विशृंग युक्ति आम डेफिनेशन एमती दबा जेउ मिश्र त्रिपदी युक्तिर साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य कहिबा जहा गोटे जौगिक प्राकल्पिक कहिबा मध्य सेया जौगिकर अर्थ दुईटी गोटे जौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य लेखिबा भी सेया तेणु आम एमिति भी लेखिपरिबा जेउ मिश्र त्रिपद युक्तिर साध्यावयव एक जौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य बा दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि होइथाय पक्षावयव एक बीजोजक तर्कवाक्य एवं सिद्धांत निरपेक्ष किंबा बीजोजक तर्कवाक्य होइथाय सिद्धांत निरपेक्ष भी होइपारे बीजोजक भी होइपारे ता एग्जांपल उपरे डिपेंड करे आमे केमिति एग्जांपल नबा से अनुसार सिद्धांत निरपेक्ष हबो किंबा बीजोजक हबो ताहाकु द्विशृंगक युक्ति बोली कहा जाए उदाहरण दबा दुई प्रकार उदाहरण हेबो
गोटे हूँ निरपेक्ष सिद्धांत हे आउ गोटे प्रकार उदाहरण दबा जो थे कि विजुजक सिद्धांत हे तेबे उदाहरण वन जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक जो उदाहरण टी मुझे एवं यह गोटे प्राकल्पिक गला आउ गोटे भी प्राकल्पिक दरकार जदि पुओ अजोग्य हुए तेबे धन संचय अनावश्यक दुईट प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि हेला साध्यावयव पक्षावयव हेब पुओ योग्य किंबा अयोग्य हेब पुओ योग्य हेउ किंबा अयोग्य हेउ अतेव धन संचय अनावश्यक एही सिद्धांत हेछि निरपेक्ष कारण धन संचय अनावश्यक दुई जगह समान रही धन संचय अनावश्यक प्रथम प्राकल्पिक भी अच्छी द्वितीय प्राकल्पिक भी धन संचय अनावश्यक अच्छी तेणु सेठारे आमे धन संचय अनावश्यक किंबा धन संचय अनावश्यक न लेखि डायरेक्ट गोटे वाक्य आम लिखिपर पुओ योग्य हेउ किंबा अयोग्य हेउ गोटे धन संचय अनावश्यक यही गोटे वाक्य ही यथेष्ट यही निरपेक्ष सिद्धांत कारण गोटे वाक्य होती तेणु यही सिद्धांत टी निरपेक्ष निरपेक्षर अर्थ समस्ते आम जाचु गोटे सरल वाक्य को आम कह निरपेक्ष तर्कवाक्य तेबे जीवा एबे विजुजक तर्कवाक्य केमिति हेबो सिद्धांत यही युक्ति बहुत यही जो दिशोल युक्ति पढ़ुचु आम यह बहुत इंटरेस्टिंग एवं मजाड़िया भी सम आम जो एग्जाम्पल नौ जापुब के मजादार एग्जाम्पल तेणु समस्ते ध्यान से भल से शुण जदि मृग ए दिग को जाए शिकारीर सम्मुखीन हेबो मा एक एग्जांपल नौ जो थे कि सिद्धांत हेबो विजुजक तर्कवाक्य जदि मृग ए दिग को जाए शिकारीर सम्मुखीन हेबो एवं आउ एक प्राकल्पिक नवा यह गोटे प्राकल्पिक जोई आउ गोटे प्राकल्पिक नवा जे जदि मृग से दिग को जाए जदि मृग ए दिग को गला ए दिग बदल में पूर्व दिग नाम लिखिदा बेस्ट जदि मृग पूर्व दिग को जाए शिकारी सम्मुखीन हेब जदि मृग पश्चिम दिग को जाए बाघर सम्मुखीन हेब यार अर्थ बुझी हो माने मृगटी जो दिग को गले भी कहार ना कहार शिकार हेब मृगटी ए दिग को गले शिकार सम्मुखीन हेब मृगटी से दिग को गले बाघर सम्मुखीन हेब पक्षावयव नवा एक विजुजक तर्कवाक्य
मृगटी पूर्व दिगकु जीव किंबा जीव किंबा पश्चिम दिगकु जीव माने जो दिगकु जाओ मृगटी ए दिगकु जीव किंबा से दिगकु जीव पूर्व को जीव बा पश्चिम को जीव सिद्धांत कौन आसीब एठी विजुजक सिद्धांत हबो जे शिकारी सम्मुखीन हबो किंबा बाघर सम्मुखीन हबो शिकारी सम्मुखीन हबो किंबा बाघर सम्मुखीन हबो एटी विजक हेछि किंबा लागिछि केमिति हेला समस्ते ध्यान से देखो माउथर पढ़ी दउछि जदि मृग एदिग को जाए जदि मृग पूर्व दिग को जाए शिकारी सम्मुखीन हबो जदि मृग पश्चिम दिग को जाए बाघर सम्मुखीन हबो पक्षाभव नबाजे मृगटी पूर्व को जीव किंबा पश्चिम को जीव माने एदिग को जाऊ बा से दिग को जाऊ सिद्धांत पाइबा पूर्व को गले कौन शिकारी सम्मुखीन हेबो किंबा बाघर सम्मुखीन हेबो शिकारी सम्मुखीन हेबो किंबा बाघर सम्मुखीन हेबो एहाला सिद्धांत एही सिद्धांत टी होउछि बीजजक तेबे बुझी हेला सिद्धांत केते बेले निरपेक्ष होउछि केते बेले बीजजक होउछि जेते बेले एही जो दुईटी विकल्प अलग अलग रहउछि शिकारी सम्मुखीन हेबो बाघर सम्मुखीन हेबो अलग अलग थिला बोली सिद्धांत भी अलग अलग हो पारा पूर्व एग्जाम्पल आम नहीं धन संचय अनावश्यक अर्थात दुईटी विकल्प समान थिला दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर विकल्पटी जो शेष विकल्प धन संचय अनावश्यक ता समान थिला तेणु आम कमन करदे गोटे निरपेक्ष तर्कवाक्य करदेलु ये तो मुझे उदाहरण देली दुई प्रकार एबे नियम लेखिबा उदाहरण दबा पई नियम रही ऑटोमेटिक भाव में उदाहरण एमती दिया जाए ना आम फर्स्ट द्विश्मक जुक्तिर डेफिनेशन लिखिलु तापर नियम लेखिबा ए जुक्तिर नियम ए जुक्ति आकार दृष्टि मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति सहित समान मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जमी प्राकल्पिक तर्कवाक्य निया जाए साध्याभव को ए जुक्ति रे भी साध्याभव प्राकल्पिक तर्कवाक्य निया जाउछि सेई दृष्टि कहगला जे आकार दृष्टि मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति सहित द्विश्मक जुक्ति समान तेणु यह मिश्र प्राकल्पिक जुक्तिर दुईटी नियम को प्राकल्पिक जुक्तिर जो दुईटी नियम रही दुईटी नियम उपरे आधारित बा पर्यवेक्षित मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जो दुईटी नियम थिला स्वीकरणे स्वीकरण अस्वीकरणे अस्वीकरण एही दुईटी नियम उपरे पर्यवेक्षित किए द्विश्मक जुक्ति यार स्वतंत्र किछि नियम नाही या मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जो दुईटी नियम रहिछि से दुईटी को अनुसरण करे बा से दुईटी उपरे पर्यवेक्षित काहेकि ना ए जुक्ति आकारगत दृष्टि प्राकल्पिक जुक्ति सहित समान तेणु प्राकल्पिक जुक्तिर जो दुईटी नियम रही दुईटी नियम को ये अनुसरण करुछि तेबे बुझिहला दुईटी नियम कौन प्रथम नियम होउछि
शिकरणे शिकरण द्वितीय नियमटी होची अशिकरणे अशिकरण यही दुईटी नियम द्विश्मक जुक्तिर स्वतंत्र नियम नुहे मन रखिबो या प्राकल्पिक जुक्तिर नियम यही मिश्र प्राकल्पिक जुक्तिर नियम उपरे द्विश्मक जुक्ति आधारित शिकरण शिकरण नियमर अर्थ पक्षावयवरे पूर्वगकु स्वीकार कले सिद्धांत रे अनुग स्वीकार हुए गत क्लास रे हम पढ़ीचु शिकरण शिकरण रो अर्थ कोनो पक्षावयवरे पूर्वग ग्रहणीय हबो सिद्धांत रे अनुग ग्रहणीय हबो जदि वर्षा हुए तेबे माटी उदा हेबो पक्षावयवरे आमे नबा वर्षा हुईची पूर्वग अते माटी उदा हुईची यह हूँ अनुग तेब अशिकरण अशिकरण से कौन हम आगे अनुग तापर पूर्वग पक्षावयवरे अनुग को अस्वीकार पक्षावयवरे अनुग को अस्वीकार कले सिद्धांतरे पूर्वग को अस्वीकार करा जाए पक्षावयवरे अनुग को अस्वीकार कले सिद्धांतरे पूर्वग को अस्वीकार करा जाए यही दुईटी नियम विषय आम आगु जानी तेणु जस्ट आज मुझे लिखिदेली ए नुईटी नियम को बेस करी आम एग्जांपल दूसलु एग्जांपल थिला जे जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक गोटे प्राकल्पिक जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक एवं जदि पुओ अयोग्य हुए धन संचय अनावश्यक जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक एवं जदि पुओ अयोग्य हुए धन संचय अनावश्यक आम एमती एग्जाम्पल नौलु अर्थात दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य ने द्विश्मक जुक्ति से पक्षावयव कौन पक्षावयवरे पूर्वग को स्वीकार करा तेणु यार तो गोटे पूर्वग ना यही प्राकल्पिक तर्कवाक्य गोटे पूर्वग रही ए प्राकल्पिक गोटे पूर्वग रही अर्थात साध्यावयवरे दुईटी पूर्वग रहुचि दुईटी अनुग रहुचि जेहेतु दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य निया जाइछि तेणु दुईटी पूर्वग दुईटी अनुग तेणु पक्षावयवरे पूर्वग दुई को ग्रहण करा जाउथिला जे पुओ योग्य हेउ बा अयोग्य हेउ उदाहरण माध्यम रे आउथरे बुझाइ दउछि आमे नियम लिखिलु नियमर अर्थ लिखिलु वर्तमान उदाहरण दबा केते बेले निरपेक्ष सिद्धांत हबो तो केते बेले विजोजक सिद्धांत हबो सेम उदाहरण दउची जहाँ फल बुझिया पाई सहज हबो जदि पुओ योग्य हुए धन संचय अनावश्यक एटा जो नहींचे यहाँ गोटे प्राकल्पिक तर्कवाक्य ये हूँ पूर्वग धन संचय अनावश्यक पार्ट हूँ अनुग आम आहुरी गोटे प्राकल्पिक नवा कारण द्विशुंगक जुक्ति दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य थाए साध्यावयवटी
दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि होइथाय। जदि पुओ अयोग्य हुए धन संचय अनावश्यक। ए जो नेली ये गोटे पूर्वग ये हूँ अनुग तेबे समुदाय साध्याभावरे दुईटी रहुचि पूर्वग दुईटी रहुचि अनुग अनुग दुईटी कॉमन अछि धन संचय अनावश्यक ये भी धन संचय अनावश्यक बुझिगला। गोटे प्राकल्पिक तर्कवाक्य नहीं गोटे पूर्वग गोटे अनुग थाए आम दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य नहींचु तेणु दुईट पूर्वग दुईट अनुग एवं पक्षावयव कौन कर सिकरण सिकरण नियम एप्लाय करवा। सिकरण सिकरण नियम कहे पक्षावयव पूर्वग को ग्रहण कर सिद्धांत अनुग को ग्रहण कर तेरे पूर्वग एठार दुईटी रोचे पुओ योग्य पुओ अयोग्य आम दुईट को पक्षावयव ग्रहण करवा। पुओ योग्य हेबो किंबा पुओ अयोग्य हेबो पक्षावयवरे आम दुईटी को ग्रहण कलु तेणु किंबा विकल्प लागिगला किंबा शर्त लागिला जे पुओ योग्य हेबो किंबा अयोग्य हेबो जहाँ फल एक डेफिनेशन अनुजाई बीजुजक तर्कवाक्य हो पारा द्विशृंगक चुक्तिर पक्षावयव एक बीजुजक तर्कवाक्य हुए बोली डेफिनेशन ले मुझे तेणु पुओ योग्य हेबो किंबा अयोग्य हेबो जाणीला केमिति बीजुजक है ना जेहेतु दुईट पूर्वग रोचे दुईट पूर्वग को आम सर्त एक जोग करवा किंबा जहाँफल बीजुजक हो पार पूर्वग ग्रहण होगा पक्षावयव सिद्धांत कौन हम ना अनुग को ग्रहण धन संचय अनावश्यक किंबा धन संचय अनावश्यक दुईटी अनुग रोच धन संचय अनावश्यक किंबा धन संचय अनावश्यक जेहेतु दुईट जाक समान धन संचय अनावश्यक वार्ड दुईट जाक समान तेणु आम गोटे ही लिखिद खाली धन संचय अनावश्यक आउ किंबा लिखी अन्य धन संचय अनावश्यक लिखा आवश्यक ना जहाँफल यह निरपेक्ष सिद्धांत हो पार बुझीगला। एवं आज शेष हो द्विशृंगक युक्ति मुझे कहीदे केमी स्टेप वाइज लिखा जीवो फर्स्ट आम करवा कौन मिश्र त्रिपोजुक्ति क्या कह जाए यह केते भाग में विभक्त मूल रू कह केमी लिखा जीवो जो त्रिपद युक्ति तर्कवाक्य गुड़िक एक प्रकार न हो एकाधिक प्रकार मिश्र त्रिपद युक्ति कह जाए। मिश्र त्रिपोजुक्ति तर्कवाक्य गुड़िक चारि प्रकार तर्कवाक्य गुड़िक चारि प्रकार से दृष्टि मिश्र त्रिपद युक्ति को चारि भाग में विभक्त करा जाए। एक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति मिश्र प्राकल्पिक युक्ति क्या कह जाए जो मिश्र त्रिपद युक्ति साध्यावयव एक प्राकल्पिक तर्कवाक्य पक्षावयव एवं सिद्धांत निरपेक्ष तर्कवाक्य मिश्र प्राकल्पिक युक्ति कह जाए। तापर तार नियम लिखा यही युक्तिर नियम सिकरणे सिकरण असिकरणे असिकरण सिकरणे सिकरण नियमर अर्थ पक्षावयवरे पूर्वग को ग्रहण कले सिद्धांतरे अनुग को ग्रहण करा जाए।
अस्वीकरण अस्वीकरण नियमर अर्थ पक्षाभवर अनुग को अस्वीकार करागले सिद्धांत पूर्वक को अस्वीकार कराए तापर आम उदाहरण दबा जदि वर्षा हेबो तेबे माटी उदा हेबो सिकरण सिकरण नियम अनुजाई उदाहरण दोचु जदि वर्षा हेबो तेबे माटी उदा हेबो वर्षा होइछि अतेब माटी उदा होइछि एबे अस्वीकरण अस्वीकरण नियम अनुजाई उदाहरण दबा जदि वर्षा हेबो तेबे माटी उदा हेबो माटी उदा होइ नाही अतेब वर्षा होइ नाही दुई प्रकार उदाहरण दे देले मिश्र प्राकल्पिक युक्ति सरीगला एबे जीवा मिश्र बीजक युक्ति बीजक एवं वैकल्पिक दुईटी अपोजिट जो मिश्र त्रिपोजुक्तिर साध्याभव बीजक पक्षाभव निरपेक्ष सिद्धांत निरपेक्ष ताको बीजक कहा जाए यही युक्ति आम अस्वीकार स्वीकार आड़ को गति करू तेणु नियमटी हूँ अस्वीकरण स्वीकरण एठारे आमे जेकोणसी विकल्प को अस्वीकार करिबा फास्ट तापर अन्य विकल्पटी को स्वीकार करिबा उदाहरण राम हुए तो बोका किंबा चालाकटे राम बोका किंबा चालाकटे फर्स्ट लिखिबा नुहे राम बोका नुहे अते राम चालाकटे यह मिश्र बीजक युक्तिर उदाहरण होगला मिश्र वैकल्पिक ठीक यहीपरि साध्याभव वैकल्पिक पक्षाभव निरपेक्ष सिद्धांत निरपेक्ष ताको मिश्र वैकल्पिक युक्ति बोली कहा जाए एथारे आमे स्वीकार रु अस्वीकार आड़ को गति करू तेणु नियमटे होची स्वीकरण अस्वीकरण यार शर्तटी कौन उभय नुहे राम उभय बालक एवं बालिका नुहे राम बालक अटे अते राम बालिका नुहे उदाहरण देदेलु नियम भी लिखिदेचु आज जो आम पढ़िलु द्विसंगक युक्ति यह लिखा केमिति जो मिश्र त्रिपोजुक्तिर साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्यर समष्टि पक्षावयव एक बीजक तर्कवाक्य सिद्धांत निरपेक्ष तर्कवाक्य किंबा बीजक तर्कवाक्य होइथाए ताहाकु द्विश्रृंगक युक्ति बोली कहा जाए द्विश्रृंग युक्ति रे आमे डेफिनेशन दे देले एही युक्तिर नियम आकारगत दृष्टिरु मिश्र त्रिपद द्विशृंगक युक्ति मिश्र प्राकल्पिक युक्ति सहित समान तेणु यही द्विशृंगक युक्ति मिश्र प्राकल्पिक युक्तिर दुईटी नियम उपरे पर्यवेसित से दुईटी नियम हेउची मिश्र प्राकल्पिक युक्तिर दुईटी नियम कौन प्रथम नियम हेउची स्वीकरण स्वीकरण जहार अर्थ पक्षाभव पूर्वग को ग्रहण कले सिद्धांत अनुग ग्रहण हुए द्वितीय नियम होची अस्वीकरण अस्वीकरण जहार अर्थ पक्षाभव अनुग को अस्वीकार कले सिद्धांत पूर्वग अस्वीकार हुए नियम पर आम लिखा उदाहरण उदाहरण दबा डेफिनेशन जहाँ अच्छे सेमती साध्याभव दुईटी प्राकल्पिक तर्कवाक्य हे पक्षाभव बीजुजक तर्कवाक्य हे सिद्धांत निरपेक्ष हे बाजुजक हे तेब दुईटी आम उदाहरण दबा सरीगला द्विशृंगक युक्ति नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा आउ गोटे क्वेश्चन रोच क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ऑलरेडी आम जानीगलु खाली तार डिटेल्स व्याख्या करिया द्विशृंगक युक्ति कहा को कहा जाए
ଏହାର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କର। ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଓଭରଅଲି ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କର। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ହିଂସ୍ର ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ଏକ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗକୁ ବାଛିଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁ। କାହିଁକି ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଏ, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କେତେ ଭାଗ କହିଲେ ଚାରି ଭାଗରେ, କେମିତି ଏହାର ଗଠନ ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାତ୍ର ତ ଦୁଇଟି, ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ। ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି, କେମିତି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ତା'ର ଖଣ୍ଡନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ୟାର ଖଣ୍ଡନ କିପରି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଠ ରହିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ସରିଗଲା ଜଣେ ୟୁନିଟ୍, ପୁଣି କଲେଜ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୂଳରୁ, ରିଭିଜନ୍ କରିବା, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇନଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ ମୂଳରୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। Thank you.